खबर और बुरी खबर, शान मसूद इंजर्ड हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। मोहम्मद नवाज ने शॉट खेला और डायरेक्ट शान मसूद के सर के ऊपर बॉल लगी और उसके बाद शान मसूद वहीं पर ही गिर पड़े और उसके बाद जाके शान मसूद को मेलबर्न हॉस्पिटल लेकर गए और उस मेलबर्न हॉस्पिटल में शान मसूद के सर की स्कैनिंग होगी और स्कैनिंग के बाद जो है ना जो रिपोर्ट सामने आएगी वो बताएगी कि शान मसूद T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच से बाहर हो गए हैं। तो सबसे बड़ी खबर और बुरी खबर, शान मसूद इंजर्ड हो गए हैं। अब तक ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि शान मसूद जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से बाहर हो गए हैं। उसको सर पे बॉल लगी है प्रैक्टिस के दौरान, मोहम्मद नवाज ने शॉट के लिए और शॉट मारने के बाद गेंद सीधी जाके शान मसूद के ऊपर, शान मसूद के सर के ऊपर लगी है और उसके बाद शान मसूद वहीं पर ही गिर पड़े। आप देख भी सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर कि शान मसूद कैसे ज़मीन पर लेटे हुए हैं और बाकी प्लेयर उसको जो है ना देख रहे हैं। तो बुरी खबर है और सबसे बड़ी खबर और बुरी खबर कि शान मसूद पाकिस्तान और इंडिया के मैच से बाहर हो गए हैं। इसके रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि क्या T20 वर्ल्ड कप से शान मसूद बाहर हो गए हैं या जस्ट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच से बाहर हो गए हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी और बुरी खबर पाकिस्तान टीम के लिए और शायकीनी क्रिकेट के लिए भी बुरी खबर है कि शान मसूद पाकिस्तान के लिए वन डाउन खेलते हैं लेकिन इंडिया के मैच में शान मसूद आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि उसको सर के ऊपर बॉल लगी है जिसके बाद वो वहीं पर ही गिर पड़े। सबसे बड़ी और बुरी खबर, ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि हर नई आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।